हजारा कुदरती हसन से मालामाल जफाकश और मेहनती लोगों का मस्कन है। हजारा के लोग अपनी खूबसूरती की तरह बा इखलाक और मुहब वतन शहरी हैं। तारीखी एतबार से भी हजारा बहादुर और गैरतमंद मकीनों का इलाका है, जहाँ के ऊंचे पहाड़, बेती नदियाँ और हरे भरे खेत अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं। मगर जब अवामी नेशनल पार्टी की जमहूरी हुकूमत ने 12 अप्रैल 2010 को हजारा के अवाम के हक पर शबखून मारा और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा, इस वाक़े के बाद हजारा की अवाम, जिसमें हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे, सरापा एहतजाज हुए। जहारिका से लेकर कोहिस्तान तक पुरअमन एहतजाज शुरू हुआ और नाम की वापसी का मुतालबा किया गया। यहाँ के लोगों का एहतजाज जारी ही था कि हजारा के सियासी कायदीन में यकायक हरकत आई और वो भी मैदान में निकल आए और तमाम सियासी कायदीन ने सलाह मशवरा शुरू कर दिया, जिसमें ज़्यादातर तादाद मुस्लिम लीग काफ और उन उम्मीदवारों की थी जो 2008 के आम इंतखाबात में हार चुके थे। आपस में मुसलसल मुलाकातों के बाद इन लोगों ने एहतजाज को एक मुनज़्ज़म शक्ल में चलाना शुरू किया। हर गुजरते दिन के साथ लोगों का इश्तियाल शदीद से शदीद तर होता गया। वो मरकजी हुकूमत से ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज पर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, क्योंकि सुबह बनाने वाली कमेटी में एबटाबाद से कौमी असम्बली के MNA सरदार मेहताब अहमद आबासी भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आजम बनाने के लिए हजारा की आवाम की कुर्बानी दी। तो नून लीग के खिलाफ लोगों का रेजिस्ट था, क्योंकि सरदार मेहताब ने 1997 में भी खैबर पख्तूनख्वा की करारदाद पास कराई, फिर जब वो आइनी तरमीमी कमेटी में थे तो उसमें भी वज़ीर नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को तस्लीम कराया। नून लीग ने जो अवामी मैंडेट लिया हुआ था, उन्होंने उस अवाम के साथ गद्दारी की सरियन, इसमें कोई जो है शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ यहाँ पे इन 5 सालों में जो वाकये हुए, उनका मैं बिल्कुल इल्ज़ाम मैं ANP पे नहीं दूँगा, उसका सारा का सारा इल्ज़ाम मैं नून लीग के ऊपर। जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन थे, उन्होंने तो बुनियादी तौर पे इस इशू को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये जरा मेहताब साहब दस्तखत ना कर दे, ये काम कदे भी नहीं होने। सरदार मेहताब की वजह तो, मुस्लिम लीग नून की वजह तो ये काम होया। उस कमेटी में ये भी बैठे थे, इनकार कर छोड़ो उन्होंने दस्तखत करने। तो नून लीग के अपने मेहताब अब्बासी, जिसको हज़ारेवाल पिछले 27 साल से एक हल्के से जितवाते आ रहे हैं, उसने पख्तूनख्वा के ऊपर दस्तखत किए और हजारा के लिए जो है खड़ा होने की जुरत ना कर सका। 12 अप्रैल 2010 वो दिन है जिस दिन हजारा की मिट्टी को खून के आंसू रोना पड़ा, जब एबटाबाद में फवारा चौक पर मौजूद पुरअमन एहतजाजी जुलूस पर पुलिस के दस्तों ने फायरिंग खोल दी। हुकूमत वक्त ने एहतजाज करने वालों पर तारीख का बदतरीन जुल्म ढा दिया। हर तरफ खून की होली खेली गई। पुलिस को खुली इजाज़त मिली हुई थी आग और खून का खेल खेलने की। अमन कायम करने वाले इदारों ने कानून और इंसाफ की परखच्चियाँ उड़ा दी। हजारा के साथ मासूम नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। एबटाबाद के पुरअमन इलाके को मैदान जंग में तब्दील कर दिया गया। मैं जलसे बिच गया, जुलूस बिच गया, पुरअमन जुलूस है असा कैंट थाने के सामने गया। उत्थे गुरद्वारा गली बिच मैं गोली लगी, पुलिस फायरिंग की थी। मैं गुफी पे गोली लगी है, मेरा पैर काम नहीं करता, पंजा उतर तला नहीं होता, पठा मारे गए इधर उधर ने। और मैं पैरों तो मजदूर हाँ, गड्डी छड़ी हूँ मेरा चला लगता, और फारूक बैठा था कार। जिस तरह लोग शामिल थे उसी तरह जुलूस में हम भी उसी तरह ही शामिल थे। तो जो है ना, मसूद और जुलूस में गोली लगी है, फिर वहाँ से लेके अस्पताल लेके चले गए। रोड क्रॉस कर रहा था तो सामने से फायर हो गए थे, मैंने कहा गुजर जाऊँगा, उन्होंने फायर किया, सीधा मेरी टांग से गुजर गया। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए थे। पख्तूनख्वा हुकूमत का हाथ था, चीफ मिनिस्टर का हाथ था, चीफ सेक्रेटरी का हाथ था। कोई शख्स गोली नहीं चला सकता है जब तक के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर आर्डर ना। ये बिलाशुबा एक बड़ा तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया था एबटाबाद की और हज़ारा की हिस्ट्री में, जिस पर हम सब बहुत दुख और तकलीफ से गुजरे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को जो 12 अप्रैल को जो फैक्ट्रीज थे, जिनमें शहीद हुए, जो जख्मी हुए, तो वो
तो बेगुनाह लोग थे, वो तो उनका नुकसान हुआ, उनकी फैमिलीज का नुकसान हुआ, वो सारा जो उस वक्त की जो एक पब्लिक जो मोटिवेशन थी वो उससे बड़ी हद तक ख़राब हुई। 12 अप्रैल के वाकयात के बाद पूरा हज़ारा सरापाए एहतजाज था, कारोबारी ज़िंदगी और मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बंद हो गए, हर आंख नम थी। यहाँ पर फैसला किया गया कि हज़ारा के आवाम को मिलकर एक तहरीक चलानी चाहिए और मुतफिका तौर पर बाबा हैदर जमान को इसकी क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी गई और बड़े बड़े सियासी कायदीन जैसे गौहर अयूब खान, सरदार यूसुफ, अमानुल्लाह खान जदून, सैयद कासिम शाह के अलावा भी बहुत से लोगों ने तहरीक का बेड़ा उठाया। हज़ारा के कायदीन ने जब अवाम में सूबा हज़ारा तहरीक की मकबूलियत को बढ़ते देखा तो इसको सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाने का फैसला किया और ये वो मौका था जो सूबा हज़ारा की नाकाम बनाने का पेश खेमा साबित हुआ और इससे मुल्की सतह के तमाम पार्टियों के कायदीन ने अलीहदगी इख्तियार कर ली। बदकिस्मती से पार्टी बनाने से ये हुआ कि उन्होंने दरख्वास्त की तमाम को कि आप अपनी अपनी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। वो कैसे मुनासिब हो सकता है या मुमकिन हो सकता है, सीनियर लोग जो 40-40, 50-50 साल एक पार्टी में रहे हों, अहदे भी रखे हों और एक छोटी पार्टी जो बनी है बाबे ने बनाई है उसमें शामिल हो जाए। पार्टी को रजिस्टर कराने में ये सारे लोग साथ थे, झूठ बोलते हैं। ये एक पार्टी रजिस्टर कराने में कंसर्न नहीं दी है। तारिक स्वाती से पूछे, शहजादा से कुरान दे के पूछे, बोले कासम शाह दिन मेरे घर में बैठ के क्या किया, इस सारे को एक भी नहीं लाया। गौर अयूब से पूछे, यूसुफ अयूब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर है तारिक सुबह हज़ारे में, तारिक स्वाती का भाई है मुजफ्फर एडवोकेट और डॉक्टर अजहर है, ये कहते हैं हमारा मशवरा नहीं किया है हमसे, झूठ बोलते। मेरे ख्याल में जो लोग बाबा के साथ लगे हुए थे उस वक्त जो शामिल थे उन्होंने यही कहा कि हमें एक ऐसी अलायंस बनाना चाहिए, बाबा से उन्होंने ये करवाया कि बाबा के शुरू में ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं था, बाबा से ये करवाया गया। ये बात भी काबिल गौर है कि तमाम लोग सुबह हज़ारा को पहली तरजीह बनाकर इन जमातों में शामिल हुए। तो हम मतलब इस बात पर सारे मुत्तफिक के हज़ारेवाल 6 अज़ला पर मुश्तमिल बल्कि उनके साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं कि हज़ारा इलाहाबाद एक सूबा बनना चाहिए, जहां पाकिस्तान में ज़रूरत है मज़ीद सूबे बनने की, हम उसके हक में हैं और हज़ारा भी सूबा बनना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये बात अभी शामिल की गई। नवाज़ शरीफ साहब को जब मैं मिला रायबंड में और उन्होंने कहा गौर साहब आप क्यों नहीं आते हैं वापस नून लीग में, मैं कहा एक शर्त होगी मियाँ साहब, वो ये है कि आप सुबह हज़ारा को सपोर्ट करेंगे, इसका कायम होने का सपोर्ट करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं और उन्होंने आयन में भी डाल दिया है। हम तो अपनी जगह कायम है, अलबत्ता मुखा किया है जो मेरे साथ जितने नाम निहाद सियासतदान थे हरिपुर वाले मानसरे वाबाद वाले मानसरे वाले, इन्होंने मुखा किया है इसके साथ मरकजी हुकूमतों के साथ और सूबाई हुकूमत के साथ, इससे इस तारीख से अलहदा हो गए। हमारी पार्टी ने उस पर अपना एक पोजीशन इख्तियार कर ली है और अपने जो हमारे मैनिफेस्टो उसमें हमने इसको शामिल किया कि इसको बड़ी तफसील से देखा जाएगा और एक दयानतदारी से इसका तजिया करके फिर फैसले किया। हज़ारा तहरीक के साथ जो लोग खड़े थे वो अब इनके साथ मौजूद हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक कमिटमेंट इलेक्शन से पहले दे दिया है, मंशूर का हिस्सा बना दिया है, इससे वापसी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ से हम सूबा बनवा लेंगे, ये नवाज शरीफ अगर मनाता तो पख्तूनख्वा पे दस्तखत क्यों करते। हज़ारे के गद्दार 3 सरदार हैं, सबसे पहले सरदार मेहताब ने गद्दारी की, फिर बाबा हैदर जमान ने जमात रजिस्टर करा के मुख मका और उसके बाद सरदार यूसुफ जो के नून लीग को हम उन्हें कहते थे कि इनको भी हम ऑन बोर्ड लेते हैं, चलें जो सबका चीज़ें हुई उसको छोड़ें, तो उन्होंने कहा नहीं ये गद्दार हैं। सरदार यूसुफ ने शनकैरी में नवाज शरीफ का रास्ता रोका। अभी आपने बात की पॉलिटिकल पार्टियों ने मंशूर में रखा है, मुझे नहीं कि ये इसके साथ सिंसियरली बात करें अपना वोट बैंक बनाने के लिए। देखिए आप पीपल पार्टी ने अपने मंशूर में सुबह हज़ारा को शामिल नहीं किया जो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आज मुस्लिम लीग नून है, चलो उन्होंने अपने मंशूर में रखा, ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि वो बस वोट बैंक अपना और सीटें हासिल करने के लिए कोई मुखलस मतलब है इसमें वो इस तरह के मुझे नज़र नहीं आते। तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उसने लाहौर में अपने जलसे में ओपन कहा, उसने कहा मैं सुबह का वादा ही नहीं करता हूँ, इमरान खान भी मुनरफ हो गया। अब कोई एक पार्टी जब तक आपकी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस पर इससे मुखलस नहीं होगी, आगरी नहीं होगी, आपको कभी सुबह नहीं बन सकता किसी एक जमात के मंशूर से या किसी एक की बात से नहीं होता। यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि 12 अप्रैल में शहीद होने वाले लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। अब्दुल अजीज़ कुंडी कमीशन ने तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी शेरीन पर डाल दी। मुझे बड़ा अफसोस है कि हज़ारा मूवमेंट की जो क़यादत है
उन्होंने उनके खिलाफ FIR जानबूझ कर नहीं कराई, इसलिए कि FIR बसीयत वकील में आपको कहता हूँ मैंने बाबा हज़रत उमान साहब से बात की थी और जो उस वक्त मूवमेंट के लोग थे कि आप थाना कैंट में चले जाएँ, वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज कराएं कि फ़लाँ फ़लाँ लोग हमारे जो हैं इनको शहीद किया गया है और फ़लाँ फ़लाँ आदमियों को या एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजामिया को हम चार्ज करते हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, FIR तो एक रजिस्टर हुआ है दोनों साइडों से हुआ है, उसमें तो बहुत से नाम हैं, किसका क्या किरदार था, क्यों था, ये मेरे ख्याल से कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हम देखते यही है कि यहाँ इस मुल्क में तो इंसाफ किसी को मिलता ही नहीं है। इनको चाहिए था अगर ये लोगों के साथ मुखलिस थे, ये प्रॉपर तरीके से केस परसू करते तो वो तो अपनी जानें बचाने में लगे रहे। रिपोर्ट का न होने का मतलब ये है कि एक तो हुकूमत अपने आप को बचाना चाहती है, नंबर दूसरी बात यह थी कि हुकूमत अपने उन हवारियों का को भी बचाना चाहती है जिनके साथ मिल के ये वाकया पेश है। 12 अप्रैल की जो FIR दर्ज नहीं की गई उसमें उस वक्त के लीगल एडवाइज़र मुश्ताक ख़ान तरखेली ने एबटाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि बाबा हैदर जमान ने मुझे इससे मना किया है। आम शहरी अपने राइट्स के लिए बिल्कुल चुप हो के बैठ जाते हैं इस डर से कि कहाँ से पैसे लाएंगे इन वकीलों के लिए। इन्होंने काम रिपोर्ट को नहीं मानते, देखिए अगर आप रिपोर्ट को नहीं मानते तो आप उस रिपोर्ट को चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको चैलेंज नहीं किया। इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है इन अदालतों के पास जाने के लिए। 12 अप्रैल के वाकयात में शहीद होने वाले नौजवानों के घर वाले आज भी किसी मसीहा के इंतजार में है जो इनके प्यारों के खून न हक का अजाला कर सके, उनकी जिंदगी को इस बोझ से आजाद कर सके कि शहीद होने वाले बेकसूर थे। यासर दी याद आती यार वेले याद आती, लोग तो आखते त्रै साल गुजर गए साढ़े से त्रै दिन भी नहीं गुजरे, असं आखने कले दी गल। सूबा हज़ारा बने या न बने मगर इस चौक के इर्द गिर्द शहीद होने वाले बेगनाओं को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या इस चौक में लगे शहदाए हज़ारा चौक के बोर्ड की तरह वो भी माजी का हिस्सा बन जाएंगे, ये एक सवाल है हुकूमत के लिए और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के लिए।